रिलायंस के नतीजों पर कुछ और डिटेल्स में बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी संदीप भी जुड़ गए। संदीप, अगर नतीजों की बात की जाए, आपके पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले कैसा मान रहे हैं और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, नंबर डेफिनेटली हमारे अनुमान से बेटर हैं। स्टैंड ऑन बेसिस पे हम जो अनुमान कर रहे थे उस आधार पे, नेट सेल्स की बात करिए, अबिड्डा की बात कीजिए, मार्जिन्स की बात कीजिए या तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए, सभी पैमाने पे नंबर्स हमारे अनुमान से काफ़ी बेटर देखने को मिले हैं। GRM सामान अनुमान करते 10.3 से $10.8 पर रहेंगे, $10.8 का लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। और पेटकेम साइड पे हमारा ऐसा अनुमान था कि वॉल्यूम्स बढ़े हैं तो उस लिहाज से इनके जो रेवेन्यूज है वो बढ़ेंगे और साथ ही साथ मार्जिन में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि पेटकेम साइड के मार्जिन नहीं बढ़े हैं, 14.4% के मुकाबले 14% ही देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे अनुमान से बेटर नंबर आए हैं उसमें ये जरूर कहना चाहिए कि रिफाइनिंग साइड का जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं इन्वेंट्री गेंस का भी एक आंकड़ा है, जिसकी वजह से जो नंबर्स है वो काफी बेटर देखने को मिले, क्योंकि रिफाइनिंग साइड के जो एबिट मार्जिन है उसमें एक इजाफा देखने को मिला जो कि ज्यादातर एनालिस्ट अनुमान करके नहीं चल रहे थे। इसके अलावा एक चीज मेंशन करना यह भी जरूरी होगा कि पिछली बार हमने देखा था नंबर्स में Q3 में कि एक अदर इनकम की में बढ़त की वजह से जो नंबर्स है उसमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था, लेकिन इस बार देखिए 450 करोड़ रुपए के आसपास का सिक्वेंशियल अदर इनकम में ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे और बाकी सभी पैमानों पे काफी अच्छे देखने को मिले हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल कॉस्ट देखें उसमें एक भारी भरकम कमी देखने को मिली है, पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास ही कमी आई। तो उस लिहाज से देखा जाए ऑपरेशन फ्रंट पे नंबर्स काफी बेटर है, रिफाइनिंग साइड का परफॉर्मेंस काफी बेटर था, केवल पेटकेम के मार्जिन इंप्रूव नहीं हुए जो कि एक डेंट था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए नंबर्स हमारे अनुमान से काफी बेटर देखने को मिले हैं। ऑलराइट संदीप, थैंक यू सो मच रिलायंस के नतीजों पर डिटेल्स बताने के लिए। अब कुछ दर्शकों के सवाल भी जोड़ लेते हैं हॉट स्टॉक्स में। बड़ौदा से हसमुख जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हसमुख जी, आपका बहुत स्वागत है, बताइए कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, बताइए प्लीज, अपने टेलीविजन वॉल्यूम कम कीजिए और बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से स्टॉक के बारे में? मैडम, मेरे पास कांसाई नैरो लैक है, कैनफिन होम्स है। ऑलराइट, कैनफिन के बारे में बताएंगे, आपने कब ये शेयर लिए हैं? ऑलमोस्ट मैंने लास्ट ईयर लिया है मैडम ये। लास्ट ईयर, और क्या नजरिए रखते हैं आप, जो आपके खरीद भाव से फिलहाल नीचे चल रहा है ये शेयर? ज्यादा ये मीन्स इसमें ट्रेंड बढ़ा नहीं है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा हूँ रिजल्ट तक का। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म का नजरिया कैनफिन होम्स पर क्या इन्हें राय देंगे आशीष, क्या करना चाहिए? अभी हाल ही में इसने एक हाई भी टच किया है 1324 का, क्या ट्रेंड आगे रह सकता है? मेरे ख्याल से इनको होल्ड रखना चाहिए स्टॉक का। अगर परफॉर्मेंस देखें फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, तो ये एक सेक्युलर अप ट्रेंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक, अगर ये चाहें तो कि स्टॉप लॉस अगर रखना चाहें तो 1100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए, और मुझे लगता है 1400 रुपये के टारगेट्स इनको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो होल्ड करें स्टॉक को। ऑलराइट, एक और दर्शक हमारे साथ है राजस्थान से, राजेश जी। राजेश जी स्वागत है आपका, बताइए कौन से स्टॉक के बारे में आपका सवाल है? शायद कॉन्टैक्ट फिलहाल कट गया है। इन्होंने अबन ऑफशोर के बारे में जानना चाहा है, और इनके पास 500 शेयर है, 190 के खरीद भाव इनकी है, और इनके खरीद भाव से थोड़ा नीचे ये शेयर चल रहा है, 187 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। फिलहाल लो रेंज में ही देखा है, कारोबार जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल इनकी स्ट्रैटेजी क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फिलहाल अबन ऑफशोर में? देखिए, अबन ऑफशोर का अगर आप चार्ट देखें तो 150-160 के लेवल्स के आसपास इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लेने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है, 170 से 190 के रेंज में। मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है ये रेंज जो है पॉजिटिवली ब्रेक करेगी। जो क्रूड ऑयल में हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा, अगर आप दोनों चार्ट को इनसाइड करें, क्रूड ऑयल को और अबन ऑफशोर को, ऑलमोस्ट एक जैसे चार्ट्स दिखेंगे। मुझे लगता है क्रूड ऑयल में ज़्यादा कमजोरी अब नहीं रही है, एक इमीडिएट बॉटम हमें देखने के लिए मिल चुका है, उसी राय पे मैं उसी फंडा पे मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस चाहें तो ये एक 175 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 230 के टारगेट्स मुझे लगता है इनको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक और दर्शक का सवाल हमारे पास SMS के थ्रू आया, वेस्ट बंगाल से मोइनक जी पूछना चाह रहे हैं IDFC बैंक के बारे में, जिसके 500 शेयर इन्होंने अपने पास रखे हैं, 50 की इनके खरीद भाव है, फिलहाल के खरीद भाव से ऊपर ही ये शेयर है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट इन्हें जरूर हो रहा है। IDFC में क्या स्ट्रैटेजी रहे, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं? देखिए, पहले इनको मेरी सलाह रहेगी कि पार्शियल प्रॉफिट इसमें बुक करें, 70-80% प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आप अगर इसका चार्ट देखें तो पिछले 4-5 सेशन से एक टॉप फॉर्मेशन कर रहा है, टॉप फॉर्मेशन में हम इसमें काफ़ी सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के आउट ऑफ द टेबल ये हो जाएं, 30% पोजीशन ये होल्ड कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस चाहें तो 52 रुपये का मेंटेन करें और 70% प्रॉफिट ही बुक करके इसमें से एग्जिट हो सकते हैं।